हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लेसन 9 कंटिन्यू करेंगे। लेसन 9 जिसे हमने एक्सप्लेन किया, रीडिंग किया और इस चैप्टर को अच्छे से समझ भी लिया। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन संस्कृत। आपका फर्स्ट क्वेश्चन, गांधी जयंती कदा भवति। गांधी जयंती कदा भवती, कदा की मीनिंग होती है कब, भवती यानी होती है। गांधी जयंती कब होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा, गांधी जयंती अक्टूबर मासस्य द्वितीय दिवसे भवती। गांधी जयंती अक्टूबर महीने की द्वितीय यानी दूसरे तारीख को होती है, दूसरे दिन होती है। हमारा सेकंड क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैनः कस्य विशेषज्ञः आसीत। डॉक्टर जाकिर हुसैन किसके विशेषज्ञ थे, यानी किस चीज़ में उनको प्रसिद्धि थी, किस चीज़ के वो जानकार थे। इसका आंसर क्या आएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैनः नूतनायः प्राथमिक शिक्षा पद्धतेः विशेषज्ञः आसीत। डॉक्टर जाकिर हुसैन नई शिक्षा पद्धति के विशेषज्ञ थे। जो नवीन शिक्षा पर नवीन प्राथमिक शिक्षा पद्धति आई थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन उसके विशेष जानकार थे। हमारा तीसरा क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से कुत्रे योगदान आसीत। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहाँ योगदान था, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहाँ योगदान था। इसका आंसर है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से स्वतंत्र भारत से संविधान निर्माणे महत्वपूर्ण योगदानम आसीत। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान था। हमारा फोर्थ क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ आसीत, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे। तो हमारे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्माकं राष्ट्रस्य प्रथमः राष्ट्रपति आसीत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति थे। आपका फिफ्थ क्वेश्चन, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन कहाँ आसीत। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन कौन थे, कहाँ मतलब होता है बेटा कौन, आसीत यानी थे। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन अस्माकं द्वितीयः राष्ट्रपति आसीत। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे दूसरे राष्ट्रपति थे। इस चैप्टर में बेटा हमने गांधी जी के बारे में पढ़ा, डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, इसके साथ साथ डॉक्टर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में पढ़ा। ये हमारे देश के बहुत ही महान पुरुष थे, जिनके बिना हमारे देश की आज़ादी संभव नहीं थी। इन सभी का ही हमारे देश में महत्वपूर्ण योगदान है, जो सराहनीय है, जिन्हें हम कभी भी नहीं भुला सकते। बेटा पेज नंबर 28 ओपन कीजिए। पेज नंबर 28, हमारा थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, यानी संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। जो आपके हिंदी के सेंटेंस हैं, हमें उनको संस्कृत में कन्वर्ट करना है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को होती है। हम इसे संस्कृत में कन्वर्ट करेंगे, गांधी जयंती अक्टूबर मासस्य द्वितीय दिवसे भवति। ये आंसर है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो प्रथम को क्या बोलेंगे संस्कृत में, प्रथमः राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आसीत। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्यों प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कथम प्रसिद्ध, क्यों को संस्कृत में क्या बोलते हैं, कथम प्रसिद्ध है यानी प्रसिद्धा।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कथम प्रसिद्धा? क्वेश्चन मार्क लगाइएगा बेटा, आप आंसर में भी क्वेश्चन मार्क लगाओगे। आपका फोर्थ क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन किस क्षेत्र के विशेषज्ञ थे? यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन किस क्षेत्र के जानकार थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन किम वैशिष्ट्यम आसीत? डॉक्टर जाकिर हुसैन किस क्षेत्र के विशेषज्ञ थे? आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे द्वितीय राष्ट्रपति थे? आंसर आएगा, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन अस्माकं द्वितीयः राष्ट्रपति आसीत्। ओके स्टूडेंट्स, हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर एंड थर्ड क्वेश्चन निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, इसे कंप्लीट कर लिया है। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। एंड फिफ्थ क्वेश्चंस, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एंड सिक्स क्वेश्चंस, सुमेलित कीजिए। आप इन तीनों क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, अगर आपको बन जाता है बेटा तो आप सेल्फ करिए, ये आपका होमवर्क है। और अगर आपको नहीं बनता तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगी। और आपको ये वर्क भी जो मैंने होमवर्क दिया है नहीं बनेगा बेटा तो मैं आपको बता दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग देखिए, हमारे 9 चैप्टर की वर्ड मीनिंग। पहली वर्ड मीनिंग क्या है? जनकहा। जनकहा की मीनिंग होती है पिता, यानी जनक हम किसको बोलते हैं? अपने पिता को बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फादर। सेकंड है स्वतंत्रम। स्वतंत्रम यानी आज़ाद, क्या होगा? आज़ाद यानी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। स्वजीवनम। स्वजीवनम की मीनिंग क्या है? अपना जीवन। सेल्फ लाइफ, हम कहते हैं ना सेल्फ लाइफ, स्व यानी अपना और जीवनम यानी जीवन, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ लाइफ। कहा जाता है ना अपना वर्क सेल्फ करो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, तो वही होता है स्व यानी अपना। वैशिष्ट्यम यानी विशेषता, क्वालिटी यानी सामने वाले में क्या क्वालिटी है, यानी वो उस चीज़ का मतलब जानकार है, उस चीज़ का विशेषज्ञ, उसे हम बोलते हैं क्वालिटी इंग्लिश में। विशेषज्ञ यानी विशेष जानकार, यानी वह उस चीज़ का स्पेशलिस्ट है, बोलते हैं ना अगर हम डॉक्टर के पास भी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो क्या बोलते हैं, वो दांत का स्पेशलिस्ट है, वो आँख का स्पेशलिस्ट है। हम किसी ऐसे डॉक्टर के पास तो नहीं जाते कि जो पूरी बॉडी का चेकअप करे, अगर पर्टिकुलर हमारी किसी बॉडी में प्रॉब्लम होती है तो हम उस डॉक्टर के स्पेशलिस्ट के पास ही जाते हैं, उसे बोलते हैं विशेष जानकार। फिर है उत्थानाय। उत्थानाय की वर्ड मीनिंग क्या है? उन्नति के नियम, यानी प्रोग्रेस करना। फॉर प्रॉपर्टी यानी उत्थानाय, उन्नति के नियम। उन्नति के नियम भी होते हैं जिनके थ्रू हम प्रोग्रेस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बेटा आज हमने इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, इसे कंप्लीट कर लिया है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बेटा जो होमवर्क दिया है आप उस होमवर्क को कर लीजिएगा, अगर आपके पास बुक है तो आप सेल्फ करने की कोशिश करिएगा, बाय चांस आपके पास बुक नहीं है तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, आप मुझसे पूछ लीजिएगा बेटा, लेकिन अगर आपके पास बुक है तो आप अपने से ट्राई करना। और जो भी वर्क मैंने आपको दिया इसकी पिक मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दूंगी, सो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से ये सारे वर्क नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। स्टूडेंट्स, जितना भी वर्क दिया जा रहा है बेटा उसे कंटिन्यू कंप्लीट करते रहिए, नहीं तो वर्क लोड ज़्यादा हो जाएगा तो आपको भी प्रॉब्लम होगी। ओके स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स वर्क कंटिन्यू करते रहो। ओके स्टूडेंट्स एंड गुड डे बेटा।